हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर 14 पार्ट नंबर 1। वेरीफाई दैट ए इज इक्वल टू 2312। सेटिस्फाई द इक्वेशन ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू में 0। बच्चों इसमें हमें क्या प्रूव करना है, अगर बच्चों हमारे पास में ए मैट्रिक्स है ना तो इस कंडीशन को बच्चों ये वाली जो कंडीशन है ना इसको हमें जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है, ठीक है ना। इसका आंसर हमें क्या निकाल के लाना है, बच्चों जीरो निकाल के लाना है। तो बच्चों इसका आंसर जीरो निकालने के लिए हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें ए क्यूब की रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बार देख ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर के बाद में ए क्यूब निकाल लेंगे, उसके बाद में बच्चों सारी वैल्यू हमें जो गिवन कंडीशन है ना इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये वाली राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके बच्चों इसका आंसर जीरो निकाल देंगे और जो आपकी क्या आ जाएगी बच्चों राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो अब इस सब को हम बच्चों करना शुरू करती है। तो द गिवन मैट्रिक्स इज या वी हैव सिस्टम को शुरू करना हमने, तो वी हैव ए इज इक्वल टू 2312। इस तरीके से बच्चों ये मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें क्या करते हैं बच्चों, एक बार हमें स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे बच्चों ए स्क्वायर। तो आपको पता है बच्चों ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर निकलेगा बच्चों ए इंटू ए का, ए इंटू ए वाला तरीका रहेगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए इंटू ए। ए मैट्रिक्स क्या बच्चों, ए मैट्रिक्स है 2312, ठीक है, इंटू में ए। ए मैट्रिक्स फिर से बच्चों यही है 2312। इस तरीके से बच्चों मैट्रिक्स है। अब इन दोनों की हम करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, रो की मल्टीप्लाई किस करेंगे बच्चों कॉलम से। तो इनटू में 2 2 जा कितना होगा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 प्लस 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस का 6, इनटू में 1 2 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस के 2, ठीक है, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, ठीक है भाई। मैंने क्या काम कर दिया बच्चों, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया। इस तरीके से क्या निकलेगा बच्चों, ए स्क्वायर निकलेगा। जो मैट्रिक्स इसको इसको बच्चों हम ऐड करने से जो बनेगा ना वो ए स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 और 3 कितना बच्चों 7, 6 और 6 12, ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 3 कितना बच्चों 7, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, एक चाहिए बच्चों ए क्यूब, क्या चाहिए ए क्यूब, ये वाला बच्चों क्या है ए स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे ए क्यूब, क्या निकाल लेंगे बच्चों ए क्यूब। तो बच्चों ए क्यूब का तरीका क्या रहेगा, मैं ए क्यूब को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू में ए, ए क्यूब को लिख सकते हैं बच्चों हमें ए स्क्वायर इंटू में ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी ये है जो है बच्चों 7 12 4 7, ये क्या बच्चों ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या बच्चों ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स इंटू में ए, इंटू में ए मतलब ए मैट्रिक्स लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है बच्चों अपने ए मैट्रिक्स जो है बच्चों 2 3 1 2 इस तरीके से इनटू में। अब बच्चों इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ में, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला तरीका रहता है बच्चों मल्टीप्लाई कराने का। तो अब करते हैं शुरू बच्चों, 7 2 14, 7 2 14, 12 7 3 21, 12 2 24, 12 2 24 इनटू में 4 2 8, 4 2 8, 7 1 7, ठीक है, 4 3 3 12 एंड 7 2 14। इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये मैंने मल्टीप्लाई कराया। अब बच्चों हम इन दोनों को इन सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इस बच्चों 12 और 14 और 12 कितना होता है 2 6 26 है, 24 और 21 है 4 5 45 8 और 7 1 5 15 1 5 15 12 और 14 2 6 26। यस बच्चों हमने क्या निकाल लिया, यो ए क्यूब निकाल लिया। इसका आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यस बच्चों हमने क्या कर लिया, सारी इक्वेशन निकाल ली, ए क्यूब निकाल लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। इसका 1 मान, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो भाई, ठीक है। तो पुटिंग ऑल वैल्यूज, पुटिंग ऑल वैल्यूज, पुटिंग ऑल इन कंडीशन, इन
इन राइट हैंड साइड, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द गिवन कंडीशन, ऑफ द गिवन कंडीशन we have putting all values in left hand side of the given condition, we have a cube, kya condition hai, a cube minus 4 a square plus a is equal to man. Yes bachcho, a cube kya nikala hamne, a cube matrix bachcho ये वाली a cube है, हम a cube की जगह matrix रख देंगे जो है बच्चों 2 6 26 है 4 5 45 1 5 15 है 2 6 26, ठीक है बच्चों, ये इसके a cube मैट्रिक्स है, माइनस के 4 इनटू में स्क्वायर बच्चों, ये वाली a स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से बन जा 28, ठीक है, 12 4 जा 48, ठीक है भाई, 4 4 जा 16, मैं क्या काम करा रहा हूं, मैं इसको ना 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 4 4 7 4 जा 28, ये बस बच्चों मैंने मल्टीप्लाई करा दी, और क्या बच्चों प्लस a, a मैट्रिक्स आप उनको लिख देंगे, a मैट्रिक्स गिवन है आपको 2 3 1 2, यस बच्चों, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हमारा आंसर आएगा, इसको सिंपलीफाई करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा, कैसे करेंगे बच्चों, 26 से 2 कितना 28 में से 28 गया, मैं अभी लिख के दिखाता हूं, 28 प्लस के हो गए, माइनस के 28 हो गए, ठीक है भाई, 45 प्लस के हो गए, 3 प्लस के हो गए 48 और माइनस के 48 है, तो 48 माइनस के 48 हो गई, सही है भाई, ठीक है, 15 है प्लस के 1 प्लस का कितने हो गए 16 है, 16 माइनस के तो 16 माइनस 16 हो गए, ठीक है भाई, 26 प्लस के है 2 प्लस के 28 हो गए, 28 माइनस 28 लिखा जाएगा, 28 माइनस 28 कुल मिला के हमारा आंसर क्या आएगा, 0 में से 0 गया 0, 40 में से 4 में से 44 गया 0, 16 में से 16 गया 0, 28 में से 28 गया 0, ठीक है, व्हिच इज राइट हैंड साइड, व्हिच इज राइट हैंड साइड, जैसे बच्चों इस तरीके से ये सवाल करना था अपने, ठीक है, अब क्या प्रूव करना था बच्चों, इस कंडीशन को सॉल्व करके क्या निकलना था, भाई जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है क्या, यस बच्चों हमने क्या प्रूव कर दिया, दिस इज ऑल आंसर इज इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स, तो व्हिच इज राइट हैंड साइड, अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर सेकंड, यस गाइस 14th सवाल में पार्ट सेकंड में बच्चों, इसमें भी हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन की वैल्यू की हमें 0 0 मैट्रिक्स लेके आना है, इसका आंसर हमें 0 निकाल के जाना बच्चों, क्या निकाल के जाना, 0 मैट्रिक्स निकाल के जाना, तो अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं बच्चों, तो इसमें क्या क्या वैल्यू पड़ी है, एक तो बच्चों स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है, तो पहले बच्चों स्क्वायर निकाल लेंगे, ए मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे भाई, ए मैट्रिक्स है इसको 4 से मल्टीप्लाई कराने में आपत्ति नहीं है, अच्छा आई मैट्रिक्स को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करानी है, वो भी बाद में करा देंगे, तो इसका पहला मोटिव रहेगा हमारा ए स्क्वायर निकालना, तो मैं पहले ए स्क्वायर निकाल के दिखाता हूं बच्चों, इस बार बच्चों ए जो मैट्रिक्स है ना 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या होता है 3x3 का ऑर्डर रहेगा, ठीक है, तो अब पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों ए स्क्वायर, तो वी हैव, इसमें क्या निकालना है बच्चों ए स्क्वायर, वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर को हम लिख देंगे ए इनटू में ए, सेम पैटर्न रहेगा, ए मैट्रिक्स को दो बार लिख लेंगे, ए मैट्रिक्स मतलब क्या है 1 है 2 2 2 1 है 2 2 2 1, ठीक है, ए मैट्रिक्स फिर से लिखनी है जो है 1 है 2 2 2 1 है 2 2 2 1, ठीक है भाई, इनटू में अब इसकी मल्टीप्लाई करानी है अपने, आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला पैटर्न रहता है, तो बच्चों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 2 2 जा 4, सही है भाई, 1 2 जा 2, ठीक है भाई, 2 1 जा 2, ठीक है भाई, 2 2 जा 4, इस तरीके से बच्चों 2 2 जा 4, यस बच्चों 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ठीक है भाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सही है भाई, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस तरीके से बच्चों अपने मल्टीप्लाई करानी है, अब बच्चों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ये वाला तरीका रहेगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1,
ठीक है, टू टू जै फोर सही है, टू टू जै फोर सही है, टू वन जै टू सही है, एंड टू वन जै टू ठीक है भाई, टू वन जै टू सही है भाई, टू टू जै फोर सही है, टू वन जै टू सही है, टू टू जै फोर ठीक है, टू वन जै टू ये भी ठीक से है, टू वन जै टू ये भी ठीक से है, टू टू जै फोर हाँ जी, टू टू जै फोर ये बस वो तरीका क्या है, मल्टीप्लाई कराने का तरीका है, वन वन जै वन सही है, ये हमने मल्टीप्लाई कराई। अब इसको बच्चों ऐड करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा जिसकी अभी रिक्वायरमेंट है। अब हम निकाल देते हैं बच्चों स्केयर, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देने से हमारा ये स्केयर आ जाएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी बच्चों फोर फोर फाइव फोर फोर एट और वन नाइन, ये बना नाइन बाई, ये भी क्या बना, ये बना टू टू जब टू 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 फोर है और फोर एट ये हो गया एट, क्या ये भी एट हो गई सही है, ये भी एट हो गई, ये हो गए भाई नाइन सही है, ये एट हो गया, ये एट हो गई, ये भी एट हो गए, ये नाइन हो गए, वेरी गुड, ये वाली मैट्रिक्स बनी है सही है। ये वाला क्या निकल के आया बच्चों, स्केयर निकल के आया है, क्या निकल के आया बच्चों स्केयर, ये सोचो। अब तक गिवन कंडीशन इज, तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं इस कंडीशन की, तो लेफ्ट हैंड साइड में गिवन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है स्केयर, स्केयर माइनस फोर ए, माइनस फोर ए प्लस ए फिर माइनस ए माइनस की फाइव ए इज इक्वल टू है, मैं वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। तो ए स्केयर क्या है बच्चों, ए स्केयर वाले वो ये वाली मैट्रिक्स है जो है बच्चों नाइन एट 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 नाइन एट 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 नाइन, ये वाली मैट्रिक्स ए स्केयर हो गई, माइनस करके फोर ए है, तो ए मैट्रिक्स को आप फोर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट, फोर टू जा एट, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, यहाँ पे क्या आएगा फोर टू जा एट, एट फोर, ये वाली मैट्रिक्स पढ़नी थी, माइनस करके आई मैट्रिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइव आएगा, यहाँ पे फाइव आएगा, तो यहाँ पे फाइव आएगा भाई, बाकी में क्या बनते जीरो जीरो ठीक है। इस तरीके से बच्चों अब इसको सिंपलीफाई करा देंगे, अगर प्लस की बात करें ना तो प्लस के नाइन है, और माइनस की बात करें ना तो फाइव फोर कितने होगी नाइन, तो नाइन माइनस नाइन निकल जाएगा यहाँ पर, नाइन माइनस का नाइन एट हो गए प्लस के, एट हो गए माइनस के, यहाँ पर जीरो ही है ना, तो एट माइनस एट लिखा जाएगा, एट माइनस एट सही है, एट प्लस के एट माइनस के, तो एट माइनस एट, इस तरीके से सवाल होना था, एट प्लस के है ये माइनस के हो गई, तो एट माइनस एट लिख देंगे आप, एट माइनस एट ठीक है भाई, नाइन ये माइनस के फोर माइनस के फाइव कितने हो गए, माइनस के नाइन प्लस के नाइन, नाइन माइनस के नाइन लिखा जाएगा ठीक भाई, एट प्लस के है एट माइनस के, तो एट माइनस एट लिखा जाएगा ठीक है, एट प्लस का एट माइनस का, तो एट माइनस एट लिखा जाएगा सही है, एट प्लस का एट माइनस का, तो एट माइनस एट लिखा जाएगा, नाइन प्लस का है ये दोनों हो गए माइनस के, तो नाइन माइनस नाइन लिखा जाएगा, नाइन माइनस नाइन लिखा जाएगा, कुल मिला के बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, सेम में सेम गए, जीरो 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 आता है, तो नाइन माइनस नाइन जीरो, एट माइनस एट जीरो, ओवरऑल सारे जीरो बच्चों, तो कुल मिला के जो जीरो मैट्रिक्स बना ना वो जीरो जीरो मैट्रिक्स बन के आ रहा है, जिसका ऑर्डर थ्री बाई थ्री का रहेगा, जिसका ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, थ्री बाई थ्री का ऑर्डर रहेगा। तो अब बच्चों अगर जीरो जीरो मैट्रिक्स हो रहा सारी, तो हम उसको लिख सकते हैं क्या, कौन सा तरीका होता है बच्चों उसको लिखने का, वो होता है जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स है, और बच्चों क्या प्रूव करके जाना था हमें, विच इज जीरो मैट्रिक्स है क्या, तो विच इज राइट हैंड साइड, ये बच्चों जीरो मैट्रिक्स है ये, तो हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बच्चों इस सवाल को आपने इस तरीके से करना था, दिस इज आवर आंसर। इस बच्चों आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू।